के अधिकारी हमारी आने वाली कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं, आज ये खुशी की बात है कि इस साल कोई का वितरण आज मान्य मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। ये इसकी महत्ता इसलिए भी बहुत बढ़ जाती है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है कि हमारा जो संकल्प है मध्य प्रदेश का, हम कुपोषण को खत्म करना चाहते हैं और कुपोषण को मैनेज करने के लिए आज स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि 16 जिलों में 27,817 आंगनवाड़ीकर्ताओं को पहले मोबाइल फोन दिए जा चुके हैं, जो आज से 3 वर्ष पहले दिए गए थे, और दूसरे चरण में 69,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में आज सीहोर जिला में मोबाइल फोन की आपूर्ति हो गई है। तो सीहोर जिले में आज 1465 स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसमें 1415 हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल है और 50 सुपरवाइजर को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये स्मार्टफोन सर कंपनी से इसमें पोषण ट्रैकर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लोड हो गया है, अपलोड हो गया है, इससे आगे से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पोषण ट्रैकर का सॉफ्टवेयर भारत सरकार का है। अब आंगनवाड़ी से लेकर के पूरे जिले और प्रदेश की सभी गतिविधियों का रिकॉर्डिंग जो है पोषण ट्रैकर के माध्यम से होगा। बच्चे का नाम क्या है, गर्भवती माता का नाम क्या है, सरस्वती माता का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी पोषण की स्थिति क्या है, बच्चा मायन है या सैन है या एमिक है, इस सारी चीजों का लेखा जोखा पोषण ट्रैकर में होगा। आंगनवाड़ी खुलती है कि नहीं खुलती है, हॉट मिल सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारी चीजें की जानकारी और पोषण ट्रैकर में रहेगी। सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको सर कि पहले काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा काम था, करीब 11 प्रकार के रजिस्टर ये संधारण करती थी ताकि बच्चों की देखरेख की जा सके। अब इन सारे रजिस्टरों से मुक्ति मिल जाएगी और सिर्फ एक मोबाइल फोन को लेके पूरा कार्यक्रम होगा। और इसमें भारत सरकार ने एक और व्यवस्था की है कि हम 200 रुपये प्रतिमाह डाटा अपलोड करने का खर्च देंगे सर प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को। इसके अतिरिक्त जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है प्रतिमाह उसको 500 रुपये का प्रोत्साहन राशि को दी जाएगी और ये राशि उसको तब मिलेगी जब वो 80% बच्चों के अनुकरण का, उनकी वेट गेन का, वजन का वो पूरा रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज कराती है। साथ ही साथ वो 60% घरों में वो खुद जाती है और वहां का डेटा रिकॉर्ड करती है। तो उसको जो है वो ये 500 रुपये की राशि देंगे और ये राशि उसको भी मिलेगी जो हमारी नीले आंगनबाड़ी डिप्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इसके साथ साथ सिर्फ सहायिका को इसमें प्रावधान है कि उसको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और वो 250 रुपये प्रति माह होगी, बशर्ते कि वह महीने में कम से कम 21 दिन अनिवार्य आंगनवाड़ी को खोले और उसकी देखरेख करे और सफाई का ध्यान रखे, बच्चों के आने खाना खिलाने का पूरा प्रबंध करे। तो एक तरह से हमारा उद्देश्य यह है कि हम कुपोषण को समाप्त करें और उसके लिए जो स्मार्टफोन है मैं इसको देख रहा हूं कि ये आने वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है बल्कि कुपोषण को खत्म करने के लिए ये सुदर्शन चक्र होगा। अब इसका इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना है ये हमारे आने वाले कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा और इसके इस्तेमाल से हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से कुपोषण को आगामी 2-3 वर्षों में लगभग एकदम न्यूनतम स्थिति पर ला के खड़ा करेंगे। वहां पर कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा मध्य प्रदेश में, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ विभाग की ओर से, लेकिन इसे सभी का सहयोग चाहिए। और एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है जहां पर 36 जिलों में आने वाले दिनों में मोबाइल स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फिर से विभाग की ओर से सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ सीहोर से सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपना सीहोर जिले से उद्बोधन लेने का अवश्य करें। जिले में
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल वितरण के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे महिला बाल विकास के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक शाह जी, हमारे बाल विकास के आयुक्त महोदय और सीहोर से जुड़े हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री करण सिंह वर्मा जी, आदरणीय स्वदेश राय जी, आदरणीय सीताराम यादव जी, दामोदर राय जी, भूपेंद्र सिसोदिया जी, राजेंद्र राजपूत जी, रवि नागले जी, राजेश राठी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सभी बहनों, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के समस्त 97,135 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न चरणों में मोबाइल उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें आज जो द्वितीय चरण का जो साथ है उसमें प्रथम आज सीहोर जिले का सौभाग्य है कि इसको पहले चरण में सीहोर को शामिल किया गया है और इसमें जो 465 हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सबके लिए जो स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड है जिसमें रैम भी 3GB है, इंटरनेट है और 32GB का यह है, टच स्क्रीन भी है, तो ये मोबाइल जो दिए जा रहे हैं जो हमारे प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी जो बच्चों के लिए महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम जहां चलाए जाते हैं जिसके अंतर्गत अनेक जो सुविधाएं चाहे स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार का वितरण, नाश्ता भोजन, गर्भवती माता जो हमारे यहाँ महिला पंजीयन, बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँ, बधाई के पूरे देश में मातृ वंदना योजना में हमारा मध्य प्रदेश पिछले 2 वर्ष से प्रथम स्थान पर आ रहा है। अब ये जो हमारा जो दिया जाएगा इसके माध्यम से जैसा कि अभी अशोक शाह साहब अभी यहाँ पर बता रहे थे कि जो 11 प्रकार की जो पंजियां हैं जिसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सबको भर्ती थी, अब इसके जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसके माध्यम से वो वही उसमें दर्ज करा देंगे और उसके अनुसार उनका वजन है, उनकी लंबाई है, वो सारी उसमें निकल आएगी और जिससे के जो कुपोषण जो हमारे मध्य प्रदेश में अति कुपोषित है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और जो हमारे चाहे MMR हो और चाहे हमारा IMR हो इसको कम करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, तो बच्चों का कुपोषण खत्म करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जो मोबाइल ऐप मिलेगा तो वो उसमें दर्ज करेंगे, जैसा हम PACS साहब जहां बता रहे थे कि उनके लिए वहां प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और मोबाइल के डाटा के लिए भी पैसा उनको दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने के लिए और हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर काम हो सकेगा। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जो बच्चों के लिए कुपोषण मुक्त करने के लिए प्रदेश को और माताओं के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज सीहोर जिले को मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पहले अभी जो जो चरण में मेरा परिवार जिला सीहोर को पहले सारी हमारी 1465 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये मोबाइल मिल रहा है जिससे एक अच्छा काम होगा। आपके नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि और समाज कर्ता भी जैसा आपने आह्वान किया था सभी लोग एक एक आंगनबाड़ी को गोद भी ले रहे हैं जिससे एक अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रभारी मंत्री सीहोर डॉक्टर रघुनाम चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें बताना चाहते हैं कि सीहोर जिले में 2,000 कार्यकर्ताओं का स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, इसके साथ ही बाकी 1465 में से बचने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिले के विभिन्न परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। और इसी अनुक्रम में आज हमारे साथ सीहोर जिले की 4 कार्यकर्ता उपस्थित है और उन 4 कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से स्मार्टफोन वितरण के लिए निवेदन करती हूँ और सबसे पहले अनुक्रम में अनुरोध करती हूँ।
सुखी रेखा खोलते जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठ के कर लो जी। आओ रेखा जी इधर आइए और रेखा करोगे जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आप ये स्वागत है केंद्र का नाम है सारा जिला सीहोर मैं फिर से बताती हूँ आप सबको रेखा करोगे इशारा से है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सारा से। इसके बाद श्रीमती दीपा गुड़िया जो बुनियादी परियोजना से है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है इलासी इसके पश्चात सुशील मनीषा प्रजापति जो ग्राहक परियोजना से हैं और खाई खेड़ा आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है इनके केंद्र का नाम है खाई खेड़ा और दो ग्राहक परियोजना से है मनीषा प्रजापति। आपके जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कार्यो के साथ इनका माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से प्राप्त कर रही है प्राप्त कर रही है सुशी रेखा बरेला जो रसूलगंज परियोजना से है और जमुनिया जी इनके आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है। रेखा दीपा मनीषा और रेखा बरेला आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस मोबाइल फोन के माध्यम से आप सभी अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपादित करेंगे। सुनील के साथ में मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित कर रही हूँ बोलने के लिए। कार्यक्रम में सीहोर में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर टूराम चौधरी जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री इछावर के लोकप्रिय विधायक अपने आप में आदित्य नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, मंच पर वहां उपस्थित आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, रवि मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, सीताराम यादव जी पूर्व जिलाध्यक्ष, दामोदर जी, बाकी सभी अब जितने पहचान में आ रहे हैं, बाकी जो नहीं आ रहे हैं उनको भी सबको नमस्कार। यहां उपस्थित हमारे कमिश्नर अशोक राय जी जो इस विभाग के को प्रमुख रूप से देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सभी अधिकारीगण सीहोर में और यहां उपस्थित कलेक्टर सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि जो यहां भोपाल में उपस्थित है, रेखा दीपा मनीषा दो रेखा है, एक रेखा करोटे एक रेखा बरेला है, वहां बैठी हुई मेरी आंगनबाड़ी की सभी सुपरवाइजर्स अलग अलग केंद्रों पर बैठी हुई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने उपस्थित सभी मित्रों, अभी जैसा आपको बताया गया कुपोषण मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक है। कुपोषण का मतलब है बच्चों में कम वजन है, बच्चों का कम वजन, बच्चों की एनीमिया की बीमारी है, खून की कमी है, ठिगरापन है, मतलब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, कोई ना कोई कमी है। अब ये कुपोषण मैं कलंक इसलिए कह रहा हूं कि शरीर अगर स्वस्थ और मजबूत होगा तो अच्छे नागरिक हमको मिलेंगे, वो परिवार के लिए, गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए बेहतर काम करेंगे। बचपन में अगर शरीर कमजोर रहा तो फिर जीवन भर वो ढंग से काम नहीं कर पाते, कई समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो कुपोषण दूर करना है, मैं महिला बाल विकास के हमारे सभी साथियों को बल्लभ भवन से लेके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में एक बधाई देना चाहता हूं कि कुपोषण के स्तर में कमी करने में हम सफल हुए हैं। अभी आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन लगातार प्रयत्नों के कारण स्थिति
धीरे धीरे सुधरती जा रही है, लेकिन फिर भी जब तक हर एक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का भी है, ये संकल्प मुख्यमंत्री का भी है, ये संकल्प प्रदेश की सरकार का भी है, ये संकल्प आप सबका भी है, ये संकल्प सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी है। और संकल्प को पूरा करने के लिए दिन और रात हमको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सुपरवाइजर कार्यकर्ता, क्योंकि आंगनबाड़ी को देखने की प्राइमरी जवाबदारी उनकी है। अब बच्चों का अलग अलग तरह की पोषण के स्तर की जांच होती है, वो जांच ठीक से हो जाए, कम वजन वाले बच्चे, दुबले बच्चे, ठेगले बच्चे, केवल बच्चे नहीं किशोरी बालिकाएं और महिलाएं मतलब मेरी बहनों के भी एनीमिया के स्तर को समयबद्ध तरीके से कम करना है। और ये काम स्तर क्या है और कम करने के जो उपाय हम कर रहे हैं इसको क्रियान्वित करने की जवाबदारी जमीन पर तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वजन लेने से लेकर जितनी आवश्यक उपाय है वो सब करती हैं, पोषण आहार देने से लेकर बाकी सारे उपाय हम किए जाते हैं, लेकिन बच्चों की वैज्ञानिक ढंग से पोषण की निगरानी की जा सके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी सही जानकारी रहे। अब अभी बताया अशोक साहब बता रहे थे कि 11 रजिस्टर भरे जाते थे, 11 ना, अब 11 रजिस्टर लेके काम घूमेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन। और इसलिए 11 के बजाय एक मोबाइल स्मार्टफोन जिसमें सही ढंग से हम जो वास्तविक स्थिति है उसको दर्ज कर सकते हैं तो अब एक फोन में सब रहेगा। ये फोन स्मार्टफोन एक अलग तरह की दुनिया है। मेरा इतना आग्रह जरूर है विभाग के अधिकारियों से कि ठीक ढंग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी मैंने चारों बहनों से पूछा तो चारों कह रही थी हमें तो आता है चलाना, तो वो बहुत देखो बहुत आसान है चलाने को, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पूरे प्रदेश के लिए मैं कह रहा हूं ट्रेनिंग सबसे जरूरी पक्ष है, नहीं कई बहनें संकोच में ही रह जाए। इसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग ये हमारी जवाबदारी है। और एक बार आपने सीख लिया तो फिर तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अपने आपके पास ये स्मार्टफोन रहेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहीं भी आंगनबाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की पूरी सूची मोबाइल पर किसी भी समय देख पाएंगे। बच्चों की हो चाहे किशोरी बालिकाओं की हो, निगरानी करना बहुत आसान हो जाएगी। और इसलिए ये काम बहुत आसान हुआ है आपका, इसको मन पर बोझ मत मानना कि ये कहां डिब्बा पकड़ा दिया इसको भरो, ये आपके काम में आसानी के लिए और वास्तव में सही ढंग से ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए जो उपाय हम कर रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आपको दिया गया है। ये वैज्ञानिक तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। तो मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है कि इसका ढंग से उपयोग करें। सीहोर जिला कुपोषण से पूरी तरह से मुक्त होने, वैसे पूरे प्रदेश में हम प्रयास कर रहे हैं,
अभी हम मुझे बता रहे थे डॉक्टर प्रभुराम जी बात करते करते कि आंगनबाड़ी ग्रुप भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं, ले लिया मैंने भी, और मथार में जल्दी जाऊंगा आंगनबाड़ी देखने मेरी। मैंने भी एक इंटीरियर के गांव की आंगनबाड़ी ली और एक भोपाल में भी आंगनबाड़ी ले रहा हूं। देखिए जवाबदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है, महिला बाल विकास की नहीं, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी होती है, और इसलिए हमने से हर जिम्मेदार कार्यकर्ता को, क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, विधायक हो, बाकी जनप्रतिनिधि हो, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हो, या वो शासकीय अधिकारी कर्मचारी, एक आंगनबाड़ी एडॉप्ट कीजिए, ले लीजिए। और आंगनबाड़ी में क्या करना है, एक सरकारी योजनाओं का ठीक से लाभ मिले यह सुनिश्चित करना है, और नंबर दो, हम आंगनबाड़ी में अगर समाज के सहयोग से कुछ कमियां हैं तो उनको दूर कर सकते हैं। अधोसंरचना का सवाल है, कमरा ठीक है कि नहीं, बैठने का भवन ठीक है कि नहीं, कहीं बनी है 16,000 या कितनी अभी रह गई है, उनको बनना है, हम प्रेरित कर सकते हैं, माताजी पिताजी की स्मृति में कुछ दे सकते हैं, वहां जो वहां की जरूरत की चीजें, वो पोषण आहार से संबंधित चीजें भी हो सकती है, खाने की, वो भवन हो सकता है, वो पंखा हो सकता है, वो खिलौने हो सकते हैं, आंगनबाड़ी में आवश्यकता का आकलन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बैठ के कर लीजिए। तो सरकार के साथ साथ समाज भी तो कुछ दे। अब कई जगह अभियान चला, फसल कटती है तो अनाज आता है, पोषण मटका रख दिए और कहा कि भैया जिसके जिसका फसल पक के आ गई हो, चना दे दे, मूंग दे दे, गेहूं दे दे, दाल दे दे, ये दान बहुत बड़ा दान है। अगर गांव भर के किसान ही थोड़ा थोड़ा दे दे तो आंगनबाड़ी का तो साल भर का काम हो जाएगा, क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। सीहोर में कई व्यापारी होंगे जो चाहते होंगे कि कुछ अच्छा काम करें। अब अगर आपने वहां प्रेरित कर दिया, विधायक जी है वहां, कलेक्टर है, कि कुछ 10-20-50 लोगों के नाम निकाल लिए, तो थोड़ा थोड़ा बोल देंगे तो एक आंगनबाड़ी ठीक हो जाएगी, उन लोगों को भी आंगनबाड़ी दे सकते हैं, भैया ये आंगनबाड़ी तुम देखो, महीने में एक बार चले जाओ। मैं सच कहता हूं, जन भागीदारी अगर बन गई तो आंगनबाड़ी में जितने भी बच्चे हैं एक साल में सुपोषित करके हम कुपोषण पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ये किया जा सकता है और हमको करना चाहिए, पूरे प्रदेशवासियों से कह रहा हूं। अभी मुझे बताया कि 57,000 आंगनबाड़ी गोद ले ली लोगों ने, 71,000 ले ली। सीहोर जिले में बैठे होंगे कलेक्टर या कोई बताएगा मुझे कितनी आंगनबाड़ियां गोद गई हैं। आवाज आ रही मेरी? कलेक्टर और एसपी दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, एडिशनल एसपी, अच्छा कलेक्टर एसपी दोनों कोरोना पॉजिटिव, एडीएम और एडिशनल एसपी। कौन हमारी महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी बताए, डीपीओ बताए, कितनी आंगनबाड़ी गोद गई है, कितनी है? तो सर सीहोर जिले में 1415 आंगनबाड़ी है और उनमें से अभी 1188 आंगनबाड़ी गोद ले ली है, माननीय विधायक महोदय ने भी सर आंगनबाड़ियां गोद ले। मैं धन्यवाद देता हूँ, 1400 में से 1100 लगभग चली गई, मेरा नाम लिखा नहीं अभी। आपको 3 आंगनबाड़ियां प्रपोज करी हैं, आप जिसमें सहमति देते हैं? प्रपोज नहीं, मैंने मथार बता दी है। ये सब तो कुछ तो नहीं है पूरी नहीं सर, ये पूरा आदिवासी ग्राम की आंगनबाड़ी है सर, पूरा नहीं, जंगल नहीं, 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 मैं ये कह रहा हूँ कि ये भैया सही सही बताना मुझे, ये अभी प्रपोज किया है कि लोगों ने ले लिया और एक आध बार हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल सर, काम भी हो रहा है सर। अच्छा एक दिन अशोक जी,
जितने लोगों ने आंगनबाड़ी अडॉप्ट की है सबको बर्फरी जोड़ लीजिए, हर एक आंगनबाड़ी में बैठेगा। और मैं बात करूंगा सबसे, अपनी अपनी आंगनबाड़ी में 71,000 लोग बिठाए या जितने भी जितनी ले लिए वो वहीं बैठेंगे, और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी या सुपरवाइजर तो कम होंगे, तो जहां हो सके अपने अधिकारी कर्मचारी पूरा महिला बाल विकास का हमला उस दिन आंगनबाड़ियों में होगा, और वहीं बैठ के हम प्लान करेंगे कि अपनी आंगनबाड़ी में क्या करना है, और इसी फरवरी के महीने में करेंगे। कितने दिन चाहिए आपको तैयारी के लिए? सर हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजा, आप जब टाइम दे देंगे हम निकल लेंगे। कितने दिन? 7 दिन में। 7 दिन पहले दे दें, तो एक दिन तय करके जितने लोगों ने ले लिया सब भाई आंगनबाड़ी में बैठेंगे, आग्रह करेंगे, और पूरी योजना उस आंगनबाड़ी में क्या क्या होना है, पोषण मटका से लेके बाकी जितने उपाय किए जा सकते हैं सब करेंगे, और इस जो एक समस्या है कुपोषण की उसको पूरी तरह से हम दूर करेंगे। अच्छी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तर पर, अच्छी तो सब है, अच्छा काम करने वाली जो सबसे अच्छा काम करेंगी उनको हर साल पुरस्कार दिए जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राज्य स्तर पर। 2 पुरस्कार की स्थापना करो, एक राज्य स्तर और एक जिला स्तर पर भी कॉम्पिटिशन होना चाहिए इसमें, और जो पुरस्कृत जिनको करेंगे उसमें सुपरवाइजर CDPO DPO भी शामिल होंगे, ताकि बेहतर काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाए, और आंगनबाड़ी की रैंकिंग करेंगे, और रैंकिंग भी 3 स्तर पे करेंगे, एक राज्य की सबसे अच्छी आंगनबाड़ी नंबर 1, 2, 3, दूसरे जिले की सबसे अच्छी आंगनबाड़ी 1, 2, 3, और तीसरी ब्लॉक की भी आपकी संरचना है ना, तो ब्लॉक की आंगनबाड़ी उसमें नंबर 1, 2, 3। तो ये 3 स्तरों पे आंगनबाड़ी की रैंकिंग भी करेंगे, और सबसे अच्छी आंगनबाड़ी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तो पुरस्कृत करेंगे, जो आंगनबाड़ी अडॉप्ट कर रहा है उसको भी पुरस्कृत करेंगे, और उस लाइन में मैं भी हूं तो मैं भी प्रोसेस करूंगा मेरी आंगनबाड़ी सबसे अच्छी हो। आइए हम सब मिलके कुपोषण के इस कलंक को दूर करें, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ बच्चा स्पर्धा का कार्यक्रम रखा था, कोविड के कारण टल गया था, लेकिन मेरा तो कहना कि वो कार्यक्रम टल गया हो, अपन प्रयास तो अभी से करके अपनी आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वस्थ कर दें, कार्यक्रम जब होगा तब एक बार और वजन ले लेंगे अपन। तो मैं सभी मित्र जिनने आंगनबाड़ियां अडॉप्ट किया उनको धन्यवाद देता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक साथियों को धन्यवाद देता हूं, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने आंगनबाड़ी गोद ली है उनको भी धन्यवाद देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छा काम करने के लिए बधाई देता हूं और बेहतर काम करें, और इसका स्मार्टफोन का उपयोग करके हम अपनी आंगनबाड़ी को कुपोषण मुक्त करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम और हम कर रहे हैं, हर गांव का मेरे विधायक साथी सुने करण सिंह जी और सुदेश जी भी बैठे, हर गांव का जन्मदिन मनाना है, गांव का दिन 1 दिन साल में, मैं तो नर्मदा जयंती के दिन जैत का जन्मदिन मना रहा हूं मेरे गांव का, उस दिन मैं भी जाऊंगा और जैत पे के जितने लोग बाहर सबको बुला रहा हूं, और वहां बैठ के योजना बनाएंगे कि अपने गांव में और क्या बेहतर करना चाहिए, सरकार के साथ साथ गांव के साथ मिलकर और क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही डॉक्टर प्रभुराम जी भी बैठे हैं, इस जिले में भी रायसेन जिले में भी अभियान चला के गांव का 1 दिन तय करवाए, 365 में से 1 दिन गांव, उसका पूरा एक प्रारूप हम बना रहे हैं गांव में क्या क्या करना चाहिए, बाकी तो वहां पर बैठ के समझते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, तो वो सीहोर में भी हो जाए इछावर में भी हो जाए, और इछावर का भी दिन तय करना है सीहोर का दिन भी तय करना है, सब लोगों के साथ बात करके तय कीजिए, और उस दिन इन नगरों में रहने वाले लोग जो भी बाहर है सब बुलाएंगे अपन, भैया आओ 1 दिन तो मूल धरती से जुड़ो जहां पैदा हुए हो। तो
गांव को भी बेहतर बनाने की स्पर्धा चालू होगी, लेकिन आज तो आंगनबाड़ियों पर ध्यान देना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक फॉर्मल आभार प्रदर्शन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय विधायक से वो माननीय विधायक श्री शायद आपसे कि आप आभार प्रदर्शन करें। दूसरा कार्यक्रम 3 बजे है ना? जी 3 बजे। सम्माननीय मध्य प्रदेश के बहुत ही जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, मैं उनको इस मध्य प्रदेश की जनता को कुपोषण से मुक्त और स्मार्ट टेलीफोन देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको सभी हमारे सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री विधायक जी और सभी उपस्थित हमारी बहनें जो एक उन्होंने बताया कि कुपोषण मुक्ति के लिए एक टेलीफोन की विशेष सेवा दी है आपको, ये बहुत ही जैसे मंत्री जी ने कहा ये हमारे मध्य प्रदेश पे एक बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक को दूर करने की मुख्यमंत्री जी के निर्देशन अनुसार आपकी अपनी जवाबदारी होगी, यही कर्तव्य आपका। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हेलो, कृपया